गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताऊंगी। भारत में नए लड़ाकू विमान आए हैं, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, यानी कि भारत में दो नए बहुत बड़े बदलाव आए हैं। पहले हमने रफाल के बारे में बात की थी, अब हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। कहते हैं ना कि जब कोई बदलाव लाना हो तो हमें अपनी शिक्षा नई शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इसकी घोषणा की है। अगर आप छात्र या छात्र के माता पिता हैं तो आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको नई शिक्षा नीति के बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। भारत में आज तक की शिक्षा नीति 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, मगर अब ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलेगी। इस फॉर्मेट के अंतर्गत पहली क्लास से 12वीं तक की शिक्षा को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। तो पहली स्टेज है फाउंडेशन कोर्स। इसमें बच्चों की नींव को मजबूत बनाया जाएगा और इसका आंकलन NCERT द्वारा किया जाएगा। तो जो ये पहले के 5 वर्ष है, इसको मैं बताती हूँ कैसे डिवाइड किया गया है। पहले के जो 2 वर्ष है वह पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए है, और जो नेक्स्ट वाले 3 इयर्स हैं वह तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास के लिए है। तो जो पहले के 2 वर्ष है ना, उसमें बच्चों की शिक्षा खेलकूद और अन्य गतिविधियों द्वारा दी जाएगी, यानी कि जो बच्चों का किताबों का बोझ है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चे हैं आराम से सब कुछ सीख पाएंगे। और जो तो हम कह सकते हैं कि जो अब नए बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, यानी कि यात्रा स्टार्ट करेंगे, वो बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि वो नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अपनी शिक्षा को आरंभ करेंगे। और नेक्स्ट जो ये 3 वर्ष है वह तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के लिए है। इसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वह गणित, समाज विज्ञान, आर्ट और जैसी शिक्षाओं से इनको परिचित कराया जाएगा और इनको मजबूत बनाया जाएगा। तो ये हुई 3 स्टेजी। और हाँ, जो ये 5वीं तक की शिक्षा है ना, इसमें बच्चे अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की मातृभाषा कन्नड़ है तो वह कन्नड़ में भी 5वीं तक पढ़ सकता है। उनके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं होगा कि उनको इंग्लिश में ही पढ़ना है या किसी और भाषा में पढ़ना है। हाँ, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का जरूर होगा। तो ये है फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद आती है मिडल स्टेज। आगे के जो 3 वर्ष है वह मिडल स्टेज है। मिडल स्टेज में 6th, 7th और 8th क्लास आती है। इन क्लासों में बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जब बच्चे 6th क्लास में पहुंचेंगे तो वह कंप्यूटर के बारे में उनको नॉलेज होगी, अर्थात वह कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे। और हमारे भारत के बच्चे भी छोटी उम्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन नई तकनीक द्वारा बनाना सीखेंगे। इंटर्नशिप क्या है? इसमें जो बच्चा होता है, जब वो 6th क्लास में पहुंचेगा, अगर बच्चे को और सब्जेक्ट के साथ किसी अन्य विषय के बारे में कोई इंटरेस्ट है तो वह इंटर्नशिप कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर वह कंप्यूटर में शौक रखता है तो वह कंप्यूटर के सीखने के लिए बाहर इंटर्नशिप के लिए जा सकेगा। अब आखिरी स्टेज आती है नई शिक्षा फॉर्मेट के तहत। इसमें जो 4 वर्ष होते हैं वह 9th से 12th क्लास के होते हैं। इन क्लासों में बच्चों को अपनी विश्लेषण शक्ति को बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा सकता है, और जो आगे उनको भविष्य में कुछ करना है उसके लिए भी मजबूत बनाया जाता है। और जो बोर्ड की परीक्षा होती है वह हिंदी और इंग्लिश में दे सकेंगे। और अब ये एक महत्वपूर्ण है कि अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। पहले के बच्चे क्या होते थे कि आर्ट्स के बच्चे कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, कॉमर्स के बच्चे आर्ट्स या साइंस नहीं पढ़ सकते थे, मगर अब के जो बच्चे होंगे वह
जो भी उनको विषय पसंद होगा उसको वो पढ़ सकेंगे। इसके लिए एक पूल निर्धारित किया गया है, उसके तहत ही वो उन सब्जेक्टों को चूज कर सकेंगे। इसके बाद है रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट कार्ड है वह 360 डिग्री के एंगल पर उसका आंकलन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो उस विषय के शिक्षक होंगे वो उसको असेस करेंगे, जो वो खुद होगा वो खुद को भी असेस करेगा और जो उस सहपाठी होंगे उनके द्वारा भी असेसमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके से उनका जो है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इस फॉर्मेट के तहत अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज जो बच्चे जाते हैं उनको 3 और 4 सालों में बांटा गया है। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल पढ़ाई करके किसी कारणवश उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है। अगर 2 वर्ष पढ़ाई करने के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलता है। अगर 3 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलती है, और अगर वह 4 साल तक पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च और बैचलर डिग्री मिलती है। स्कूल की तरह कॉलेज के बच्चे भी अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाता है। बच्चे जब चाहे एंट्री कर सकते हैं और जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक क्रेडिट, इसमें जो बच्चे होते हैं उनका बैंक क्रेडिट बनाया जा सकता है। इसमें बच्चे 1 से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं। बच्चा जैसे जहाँ तक कोर्स करेगा उसके नंबर उसके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, और जब वह फाइनल डिग्री करेगा तो वो पहले वाले नंबर उसमें जुड़ जाएंगे। यह तो है डिजिटल और ऑनलाइन पद्धति होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इस विषय पे अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, और जो 3 ऑप्शन आएंगे उसमें ऑल का बटन दबाइएगा जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें एक एनर्जी मिलती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।